ठीक है। यस सो नेक्स्ट ये चीज़ें, यानी हमें मोर देन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, मोर देन रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं के यहाँ पर, लेट सपोज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट 5 साल, मैंने टॉपिक जो है ना कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो अभी तक जो बात की हमने इस पिछली वीडियो में, हमने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट जो है जी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, इनकम फ्लो है, परचेज प्राइस है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर इनकम फ्लो पे हमने कहा कि जी इनकम फ्लो में अनसर्टेनिटीज होती है, अनसर्टेनिटीज होती है, हमें ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं है, हमें उसकी लाइफ का पता नहीं है जी, हमें कॉस्ट का पता नहीं होता। तो हमने कहा जी चलो सपोज कर लेते हैं कि ये सब कुछ हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मालूम कर सकते हैं तो आगे क्या है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि जी इसकी लाइफ 5 साल है प्रोजेक्ट की, लेट सपोज करते हैं कोई प्रोजेक्ट हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो 5 साल चलता है, उसको उसके पहले साल मुझे जो रेवेन्यू मिलेगा, यानी मैंने कोई मशीन खरीदी 5 साल चलेगी, उसके पहले साल मुझे R1 प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, R2 रेवेन्यू मिलेगा, R3 रेवेन्यू मिलेगा, और सर 5वें साल में मुझे रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा अब अगर मैं अभी क्या हमें डिसीजन किस तरह करना चाहिए, यहाँ पर देखो डिसीजन किस तरह करना चाहिए, ये मैं अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया और मैं सपोज कर रहा हूँ कि 5 साल मुझे रेवेन्यू मिलेगा जी R1, R2, R3, R4, R5, ये हिस्से होंगे, जवाब होंगे, पैसे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, अभी क्राइटेरिया किस तरह होना चाहिए, इफ द सम ऑफ N1 इनकम, अगर इन 5ों को मैं जमा कर लूँ, ठीक है, इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने खर्चा किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, अगर उससे ज्यादा हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये मैंने खर्चा किया है और मुझे रेवेन्यू मिल रहा है सारे कुल मिला के 1400, ज्यादा है रेवेन्यू, ज्यादा है कॉस्ट से, तो क्या मुझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, सो शुड वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है, क्वेश्चन है क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम नहीं श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ओके, बिकॉज द एनुअल इनकम फ्लोज विल बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेस पर्सन एनुअली, ये जो मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं ना, या मुझे 1000 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मुझे रिटर्न जो मिल रहा है, ये मुझे एनुअली मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है, और मैंने जो मशीन खरीदी है वो लमसम पे खरीदी है, वो आज खरीदी है लमसम इकट्ठे पैसे दिए, और कैपिटल जो मुझे है, कैपिटल जो मुझे ये जो कैपिटल से रिटर्न मिल रहा है मुझे किस्तों में मिल रहा है, तो जाहिर बात वो मुझे फ्यूचर में मिल रहा है और फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, इसलिए मैंने क्या करना है, ये मुझे जो 1400 रुपये मिल रहा है ना, मैंने इसको डिस्काउंट करना है, क्या करना है, डिस्काउंट करना है। सो वी हैव टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम फ्लोज, हमने क्या करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है, एंड देन शुड हैव टू कंपेयर विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा कि जी पहले साल की ये R1 डिवाइड बाई 1 प्लस R रेस्ट पावर 1, ये पहले साल की जो मुझे पैसे मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, फिर ये दूसरे साल बाद जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उसकी वैल्यू है, ये तीसरे साल जो मुझे मिल रहे हैं उसकी वैल्यू है, ये चौथे साल बाद और ये 5वें साल बाद। यहाँ पर देखो मैंने एनुअल वो नहीं डाली क्योंकि यहाँ पर मशीन फिर ख़त्म हो जाएगी, या मुझे स्क्रैप उसकी स्क्रैप डालना है कि भाई स्क्रैप कितनी कीमत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, एस्टिमेटेड इनकम 100 रुपी की एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर डिस्काउंट रेट 4% है, डिस्काउंट रेट 4% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 96 रुपए, दूसरे साल बाद 92 रुपए, तीसरे साल बाद 88 रुपए, चौथे साल बाद 85 रुपए और 5वें साल 82 रुपए, ठीक है, ये मुझे मिल रहे हैं वही फार्मूले में है। यहाँ रेस्ट ऑफ पावर 1 है, यहाँ रेस्ट ऑफ पावर 2 है, यहाँ रेस्ट ऑफ पावर डिनोमिनेटर में 3 है, 4 है, फिर 5 है, तो कुल मिला के मुझे 5 साल बाद जो अगर मैंने 500 रुपये का प्रोजेक्ट किया है, यहाँ जो मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 445 रुपये मुझे मिल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू 500 रुपये जो मुझे मिल रहे हैं, 100 रुपये जो मैं मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 445 मिले, कितने कुल हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं, इनसे 500 लिखा हुआ है लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 445, यानी ये मुझे पाँच साल के बाद जो मिलेगा आज उसकी वैल्यू कितनी है, 445,
अगर डिस्काउंट रेट में 5% डालूं तो 432 हो गया, अगर 6% डालूं तो मेरे पास 421 आ गया। ठीक है, तो यहां लिखा है नाउ एज अ डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फ्लो डिक्रीजेस, वो जो मैंने पहले पहले बात कर दी थी कि जो डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेगा तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, इफ द परचेज प्राइस, अब यहां पर मैं सपोज करता हूं कि मैंने ये मशीन ली कितनी की, अगर इफ द परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल 432.94 ठीक है, सो अगर ये मेरे परचेज प्राइस थी, ठीक है, तो देन दिस रेट ऑफ रिटर्न, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल इज 5%। देखिए इधर, ये थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर 5% पे, यहाँ 5% पे देख लें थोड़ा सा कितना आ रहा है, 432.94। अगर मेरे यहाँ पर ये तो डिस्काउंट रेट 5% है, तो 5% पे 432.94 ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये तो मुझे रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, अब मशीन के कॉस्ट, ये मशीन फॉर एग्जांपल अगर मुझे 432 रुपए की मिली है ना, 432 रुपए की मिली है, ठीक है, ये साथ जो जो इशारे में इशारे हैं, अगर मैंने इतने की ली है तो ये प्रोजेक्ट, इस ये जो कैपिटल है तो इसका कितना रेट ऑफ रिटर्न है, 5%, कितना है 5% रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर 5% हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है, ठीक है, एग्जैक्ट बराबर आ गया। अब अगर डिस्काउंट रेट 4 आ गया, 4%, अब मैंने खरीदी है 432 की, लेकिन मुझे कमा के दे रहे 445 रुपए, कितना कमा के दे रहे 445 रुपए, तो मैं कभी ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 445 रुपए, मैंने खरीदा कितना का है, 432 रुपए का, तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे पास डिस्काउंट रेट 6 हो गया, ठीक है, तो ये मेरे लिए कितने कितने का आता है, रिटर्न कितने का दे रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ देख लें थोड़ा सा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, दोबारा देखें इसको, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रही है, 432.94, ठीक है, 432.94 ये रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर डिस्काउंट रेट, परचेज प्राइस 432 है, याद रखो अगर परचेज प्राइस ज़्यादा होगी और रिटर्न कम होगा, परचेज प्राइस ज़्यादा होगी तो कभी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज प्राइस 432, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 445, इट इज़ प्रॉफिटेबल। ठीक है ना, इट इज़ प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये मुझे कमा के दे रहे हैं 445, और डिस्काउंट रेट कितना है और उसकी परचेज प्राइस कितनी है, 432, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। इसी तरह 6% पे देख लें, 421 है, तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यूज कितनी है, 421, मैंने खरीदा कितने का है, 432 का, तो ये मेरे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है। सो यहाँ पर लिखा है इफ द परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल इज 445 देन इट्स रेट ऑफ रिटर्न इज 4%। ठीक है, यहाँ पर 445 हो तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, 4%, अगर परचेज प्राइस 445 हो तो फिर रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, 4%, अगर परचेज प्राइस कितनी हो 421 हो तो रेट ऑफ रिटर्न कितना का होगा, 6%। ठीक है, सो द बिजनेस पर्सन विल डू इन्वेस्टमेंट इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या, कब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब बिजनेस पर्सन, कब, जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न देन इन्वेस्टर विल लेंड द मनी एंड विल अर्न द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे 10% बाजार से मिल रहा है तो मैं ना 9% क्यों कमाऊं, मैं 10% कमाऊंगा। सो इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन रेट, यहाँ पर रिजल्ट है, सो इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल।